अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल आप सब कैसे हैं आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं मेरी दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें कोई दुख गम परेशानी ना कभी आप लोगों के पास आए और ना ही कभी हमारे पास आए आमीन संडे वाला दिन ना मेरा बड़ा मामूल होता था कि मैं बच्चों के लिए बड़ा स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाती थी और ये मामूल ना पिछले कुछ हफ्तों से टूटा हुआ था तो आज भी मैंने सोचा कि बच्चों के लिए हैश ब्राउन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा जो है ना पसंद है बच्चे तो कह रहे थे कि हमें हलवा पूड़ी खानी है लेकिन चूँकि मेरा भी इतना गला ख़राब था हुरैन का भी निविद की भी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट वीक जो है ना हलवा पूड़ी बना लेंगे इस वीक जो है ना मैं उनके लिए हैश ब्राउन बनाती हूँ तीन चार आलू लेके मैंने उनको ना कद्दूकश किया फिर उनको ठंडे पानी में भिगो के दस पंद्रह मिनट के रखा उनका सारा पानी अच्छे से निचोड़ के उसके बाद मैं इसको पैन में डाला है पैन में डाल के मैंने दो चम्मच के करीब इसमें बटर ऐड किया है और इसको तकरीबन मैं छः सात मिनट के लिए फ़टाफट से सोते कर लूँगी ताकि इसमें बिल्कुल भी जो मॉइस्चराइज़र है ना वो सारा ड्राई हो जाए और आलू जो है ना हमारे थर्टी फोर्टी परसेंट समझे के कुक हो जाएंगे इस टाइम हैश बोना इतने है, जल्दी जल्दी से बन जाते हैं लेकिन पता नहीं आ, मुझे लगता है कि इस तरह के जो स्पेशल से ब्रेकफास्ट होते हैं ना ये वीकेंड पे ही बनते हैं आम दिनों में तो टाइम ही नहीं होता सुबह सुबह ना ही बच्चे जो है ना आम दिनों में इतना कुछ खाते हैं खैर उसके बाद जो है ना इसको ठंडा करने के रख देना है और तकरीबन दस मिनट के लिए उसके बाद जो है इसमें सिंपल से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे जिसमें चाहेगा साल्ट और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी चावल का आटा एक चम्मच भर के मैंने वो ऐड किया था थोड़ा सा इसमें मैंने लहसन का पाउडर ऐड किया है नहीं है तो आप थोड़ा सा आ, फ्रेश ऐड कर दे उसके बाद ओरिगानो मैंने इसमें ऐड किया है और थोड़े से मैंने इसमें रेड कश्मीरी लाल मिर्च वो ऐड की थी उसके बाद जाएगा इसमें कॉनफ्लोर मैंने तकरीबन हाफ चम्मच बस इसमें वो ऐड किया था ताकि इनकी अच्छे से बाइंडिंग हो जाए ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है और बस आप इसमें चिली फ्लिक्स ऐड कर सकते हैं रेड मिर्च ऐड कर सकती हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मेरे बच्चे स्पाइस नहीं खाते हैं तो मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो स्पाइस हैं वो ऐड नहीं किए उसके बाद इसको आप अच्छे से शेप दे लें और बस शेप देने के बाद आप इसको ऑयल में फ्राई भी कर सकती हैं लेकिन मैं चूँकि फ्राई नहीं करती मैं दो से तीन चम्मच ऑयल ऐड करके और बस इसको सोते कर लूँ आप चाहे ना तो आप इसको फोड़नों में बेक भी कर सकती हैं एयर जो है उसमें भी बना सकती हैं इतने मजे के ये बनते हैं ना मेरे बच्चों को तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद है।, है बच्चों को पसंद है मुझे खुद भी ये ना बहुत मजे के लगते हैं इसके साथ ना एक खास किस्म की ब्रेड बनती है लेकिन चूंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है और सुबह सुबह जो है ना इतना मूड नहीं होता किचन में टाइम स्पेंड करने का सो कल जब मैं गई थी ना माकशे पे तो वहाँ पे एक अरबी आता है वो बहुत ही फ्रेश वो वाली बगर देता है तो उससे मैं वो ले आई थी हैश ब्राउन के साथ ना हमेशा वो तर्किश ब्रेड जो होती है ना वो बहुत मज़े की लगती है तो आप इसको सिंपल ब्रेड के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं उसके बाद ना दो से चार मिनट के बाद बस इनकी साइड चेंज कर दी जानी है और ये बिल्कुल हाई फ्लेम पे कुक नहीं करने बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम पे इनको आपने बनाना है ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाएं और बाहर से ये अच्छे से क्रंची भी हो जाए ये देखें जी मज़ेदार किस्म के हमारे हैश ब्राउन रेडी हो चुके थे मेरी बेटी आई किचन में उसने कहा मामा मुझे तो वो पसंद है बिल्कुल पतले वाले तो मैंने कहा कि चलो मैं आपके लिए ना दो तीन जो है ना बिल्कुल पतले पतले बना लेती हूँ फिर रमीज़ ने कहा मुझे भी पतले वाले चाहिए तो मैंने इनको दोबारा से पैन में डाला और बिल्कुल पतला सा कर लिया ये देखें जी साथ ये मज़ेदार किस्म की हमारी जो तर्किश ब्रेड है वो नताशा ने रेडी गर्म कर दी थी साथ ना मैंने इसके साथ जो है ना वो एग फ्राई अच्छे लगते हैं लेकिन मेरे बच्चों को नहीं पसंद तो बस मैंने एक एग बना लिया था कि जिसको खाना होगा वो खा लेगा उसके बाद ना आज दिन था मेरी बेटी की कुकिंग का मुझे इतनी खुशी होती है ना संडे को जब नताशा ने कुकिंग करनी होती है कसम से एक अजीब सा सुकून होता है उसने कहा था फाइक्रमी से क्या खाना है सब ने कहा हमने खाने हैं पिज़े तो बस उसने यहाँ पे बनाए फिर पिज़्ज़े उसने क्या किया पिज़्ज़े के डो के लिए मैदा लिया है उसमें साल्ट ऐड किया था ब्राउन शुगर वाइट शुगर कोई भी है आप वो ऐड कर ले एक चम्मच भर के उसने ऐड की थी क्योंकि यहाँ पर ना बच्चों ने कहा था हमने दो दिन पिज़े खाने हैं तो उसने एक के लिया था मैदा उसके बाद एक पैकेट जो है ना है ना येस्ट का एड किया है ड्राई मिल्क पाउडर दो से तीन तीन चम्मच वो ऐड किया था और डाली थी योगर्ट एक जो पूरा पैकेट होता है ना टू फिफ्टी ग्राम का वो पूरा ऐड किया था ड्राई मिल्क पाउडर से और योगर्ट से हमारे जो पीज्जे हैं ना वो इतने सॉफ्ट बनते हैं ना कि क्या आप याद करेंगे बहुत ही मजे के पीज्जे बनते हैं फिर ड्राई मिल्क पाउडर को तो आप स्किप कर सकते हैं लेकिन योगर्ट को ना किसी कीमत पे आप स्किप नहीं कर सकते उसके बाद यहाँ पे उसने बनाना था केक बच्चों ने कहा था हमने केक भी ज़रूर खाना है तो उसने कहा हाँ आज मैं किचन में आई हुई हूँ ना आप लोग फरमाइशें करते जाओ खैर उसने ये केक बनाया वनीला का केक स्पंज केक जो होता है लेकिन इतना मज़े का था ना यकीन करें ये हमने एक दिन बाद खाया था कल लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बना था उसने क्या किया बटर लिया ब्राउन शुगर ली और उसको अच्छे से जो है ना इसने बीट कर लिया था और उसके बाद उसने इसमें एग डाले हैं और उसको भी बीट करती जाएगी केक ना मुझे बनाना पसंद नहीं है खाना तो मुझे पसंद है लेकिन बनाना पसंद नहीं है और केक नताशा को माशाल्लाह बहुत बेकिंग करना पसंद है तो केक हमेशा से वो बनाती है और ये वाला जो केक था ना इतना सॉफ्ट था और उसके लिए एक ट्रिक है कि आप जब भी केक की ये जो बैटर है ना उसको रेडी करें तो उसको आप लोगों ने ठीक नहीं रखना जितना ही आपका बैटर देखें कितना वो जितना ये स्मूथ सा बैटर होगा ना उतना ही आपका केक जो है वो अच्छा बनेगा उसने फोरनों को ऑन करके रख दिया और उसने कहा मामा मैं अभी जो है ना केक भी बेक कर दूंगी फिर मैंने जो है ना अपना पेपर याद करना है तो उसके टेस्ट चल रहे थे उसने कहा हाँ मुझे वो रेडी करना है तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं ऐसे करती हूँ जितनी भी आपको पिज़्ज़े के लिए सब्ज़ियाँ चाहिए वो बाहर बैठ के मैं आपको काट देती हूँ उससे ना एक पिज़्ज़ा बनाना था टिक्का पिज़्ज़ा उसने कहा मामा मैं एक बनाऊँगी टिक्का पिज़्ज़ा और एक जो है ना वो वेजिटेरियन पिज़्ज़ा बनाऊँगी टिक्के की पिज़्ज़े की जो मैरिनेशन था उसके लिए उसने लिया चिकन और उसके अंदर डाली योगर्ट साल्ट टर्मेरिक पाउडर क्यूमिन पाउडर कुरियंडर पाउडर और उसके बाद थोड़ा सा उसने सिरका डाला था ड्राइड पार्सले उसने वो ऐड किए थे थोड़ा सा यहाँ पे तिक्का मसाला तो था बिल्कुल हाफ चम्मच से भी कम्बो डाला था और उसके बाद अदरक लहसन और सब्ज़ मिर्च कूट के उसका पेस्ट उसने ऐड किया था बस ये सिंपल से मसाले हैं और क्या कमाल का टेस्ट था न और उसके बाद उसने लास्ट में क्या किया था ये आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा जिससे ना पीज़ों का टेस्ट बहुत मज़े का था मैरिनेट करके उसने इसको तकरीबन एक घंटे के लिए रख दिया था मुझे लगता है जब बेटियां आपका किचन थोड़ा संभाल लेती है ना आप इतने पुरसकून हो जाते हैं अल्लाह ताला सब के बच्चों को अपने वालदेन की आंखों की ठंडक बनाए आमीन और अब ना वीक में वो कहती है मामा कम से कम एक दिन तो मैं ज़रूर आप लोगों को ना कुछ ना कुछ बना के दूंगी मामा एक दिन आपका भी होना चाहिए रेस्ट का लेकिन माओ को कहाँ आराम आता है मैंने सोचा कि फ्रिज गंदा है तो चलो मैं ना लगे हाथों फ्रिज साफ़ कर देती हूँ खैर यहाँ पे ना जल्दी से मैंने फ्रिज जो है ना सारी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी तो मैंने सोचा कि जब मैं नेक्स्ट मार्क्शे पे जाऊंगी कोई सब्ज़ी फ्रूट लेने तो बेहतर है कि उससे पहले मैं फ्रिज को ना अच्छे से क्लीन कर दूँ से ही में बिल्कुल फ्री रहना ना मुझे ज़रा भी नहीं पसंद मैं कहती हूँ कुछ ना कुछ इंसान को करते रहना चाहिए इससे क्या होता है एक तो आप बिज़ी रहती हैं फजूल में कुछ सोचते नहीं हैं प्लस आपका घर ना हर टाइम जब चमकता घर रहता है ना तो आप बहुत पुरसकून रहते हैं खैर उसके बाद देखें जब इसका चिकन अच्छे से पक गया ना उसके बाद उसने क्या किया दो कोयले गरम किए और आ, उसको फॉइल पेपर में रखा थोड़ा सा ऑयल ऐड किया और ये धुआं दे दिया इससे हमारे जो चिकन का टेस्ट है ना बहुत मज़े का था आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे ये से कोयले पर बने हुआ चिकन है और मेरी बेटी एक और भी ट्रिक यूज़ करती है जब ये डो रेडी हो जाती है ना उसके बाद दोबारा से एक दफ़ा इसको हल्के हल्के हाथों से नीट कर लेती है दोबारा से डो को फिर हमारा जो पिज्ज़ा है ना वो इतना ऐसे एकदम से फूल के बनता है ना बहुत मज़े का जितनी भी सब्जियां थी ना घर में उसने कहा मामा प्याज भी काटें आलू भी काटें और सारी सब्जियां काट के दें अच्छा सा जो है ना वेजिटेरियन पिज़्ज़ा बनाएंगे मैंने बाहर बैठ के ना सारी सब्जियां उसको काट के दी उसके बाद उसने अप्लाई किया यहाँ पे जो पिज़्ज़ा सॉस थी वो ऐड किया है और उसके बाद ना थोड़ी सी ये मोजिला चीज़ पहले ऐड करती है उसके बाद ये ना सब्ज़ियाँ फिर ऐड करती है है ना आज मैंने बहुत बारीक बारीक काटी थी और आज जो है ना मैंने इसमें आलू भी काटे थे मेरी बेटी और बेटे को ना इसमें पिज़्ज़ा आलू वाला जो है ना ये भी बहुत पसंद है तो मैंने सोचा कि चलो क्या याद करोगे सारी सब्जियाँ मैंने काट के दी अनियन भी कट करके दिए मशरूम मेरे पास पड़े हुए थे वो भी मैंने कट किए ओलिवस पड़े हुए थे वो भी मैंने कट किए घर में ना पिज़्ज़ा बनाने का यही फ़ायदा होता है कि बाजार से हम लोग पिज़्ज़ा लेके आते हैं ना एक तो इतना एक्सपेंसिव ऊपर ब्राए नाम सब्जियां होती हैं तो जब घर में आप इतनी ढेर और ढेर सब्जियां जो है ना वो यूज़ करते हैं ना तो ये इतना अनहेल्दी नहीं होता उसके बाद थोड़ा सा उसने इसमें चिकन भी ऐड कर दिया था और आज तो सारों को इतना मज़ा आया ना पिज़्ज़े खाने का बहुत ही ज़्यादा और ये देखें जी फुल लोडेड पिज़्ज़ा जो है ना ये वो है जो बाज़ार से तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा उसके बाद ना नवीद को शिमला मिर्चें वगैरह ये सब ईट ये जो चीज़ें हैं ना अला बला है नवीद को नहीं पसंद है वो सिंपल सा पिज़्जा पसंद करते हैं तो, तो नताशा उन्होंने कहा मैं तो रोटी खाऊंगा लेकिन थोड़ा सा पिज़्जा बस टेस्ट करूंगा तो नताशा ने फिर क्या किया डैडी के लिए जो है ना जस्ट सिंपल सा चिकन और अनियन लगा के वो पिज्ज़ा बना लिया और ये वाला पिज़ा ना मेरी बेटी ने इसकी डो थोड़ी सी थिक रखी थी ताकि डैडी जो है ना आराम से खा लें और हमारे वाले पिज़्ज़े से ये वाला पिज़्ज़ा ज़्यादा सॉफ्ट बना था इसका तो क्या ही कमाल का टेक्सचर था ना कि बस पूछे ही ना उसके बाद उसने क्या क्या थोड़ी सी चीज़ ऐड की थी और ये जो चिकन था वो ऐड किया फ़ोर्नों को ना पहले से प्री हीट करके जब हम रखते हैं ना उसके बाद पिज़्ज़े ज़्यादा मज़े के बनते हैं और ना तो इसको बहुत ही ऊपर वाले राड्स पे रखते हैं हम लोग ना ही बहुत लोअर मीडियम राड पे रखते हैं उसके बाद तकरीबन 20 से 25 मिनट में पिज़्ज़ा बनता है तब पिज़्ज़ा जो है ना बहुत मज़े का बनता है ओ थैंक यू सो वेरी मच मुझे ना कल आप लोगों पे इतना सारा प्यार आया जब मैंने कल की वीडियो अपलोड की ना क्या हुआ उसके कमेंट आप हो गए क्योंकि बच्चों की वीडियो इसमें बहुत ज़्यादा थी मुझे ना इतना सारा दुख हुआ कि मैं तो आप लोगों के कमेंट्स का वेट कर रही थी फिर मैंने सोचा कि चलो एक ना कम्युनिटी पे पोस्ट लगाती हूँ और मुझे भी इतना सारा प्यार आया जब आप लोगों ने मेरी वो वीडियो देख के फिर मेरी कम्युनिटी पे जाके उस वीडियो से रिलेटेड मुझे कमेंट्स किए ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा थैंक यू सो वेरी मच आप लोग इतना ज़्यादा आप लोग मेरा साथ देते हैं ना चाहे मेरी यूट्यूब की फैमिली थोड़ी सी ही है लेकिन जो है वो बहुत मुखली साथ देने वाली है थैंक यू सो वेरी मच ये देखें जी फाइनल लुक पीज़ों की क्या कमाल के हमारे बने थे अलहमद से पीज़ें और जब ये मीडियम राड पे बनते हैं ना पिज़े तो ये अंदर से भी बहुत अच्छे से कुक हो जाते हैं बस बच्चों से तो आज इंतज़ार नहीं हो रहा था कि उनके बच्चों ने ना सुबह ग्यारह बजे नाश्ता किया था हैश ब्राउन का उसके बाद ये शाम का टाइम था तकरीबन मगरिब का रमीज़ ने कहा कि मामा कितना तरसा तरसा के आप लोगों ने हमें पिज़्ज़े खिलाने हैं खैर बस ये था हमारा आज का व्लॉग और आप लोग लाइक करने में कंजूसी ना किया करें प्लीज़ और चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें बस यहाँ पे मैं चाहूंगी आप सबसे इजाज़त अपना और अपने प्यारों का रखिएगा का बहुत सारा हाल अल्लाह हाफिज टेक केयर फी अमानीला